एट प्रेजेंट इस नई गाड़ी की जो कॉस्टिंग है वो नियर अबाउट 72,000 रुपये। 72,000 के बजाय 28,000 में अगर आपको ये गाड़ी मिल रही है एकदम नई जैसी जिसका एकदम सब कुछ टिप टॉप है, आपके अपने चैनल सेक टू हैंड में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेकर आए हैं सेक टू हैंड की सेकेंड हैंड बाइक सर्विसेज के बिल्कुल नए एपिसोड में, और जैसा कि आप देख सकते हैं हम खड़े हैं अभी स्वास्तिक मोटर्स के बाहर जो कि लोकेटेड है अकेलिया सर्किल में चौपासनी मेन रोड पर। तो आज हम आपको मिलवाएंगे ओम जी सर से और उनसे जानेंगे सेकेंड हैंड बाइक्स की कुछ स्पेसिफिकेशन और उनके फाइनेंस की फैसिलिटीज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आपकी ड्रीम बाइक्स। तो हम खड़े हैं अभी ओम जी सर के साथ और इनसे जानेंगे हम इस गाड़ी की कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो सर इस गाड़ी के बारे में कुछ बताइए। ये होंडा की एक्टिवा गाड़ी है, 110 सीसी का इंजन है इस गाड़ी के अंदर और इसका 2013 का मॉडल है गाड़ी का। अभी 8% इस गाड़ी की कॉस्टिंग नियर अबाउट 30,000 के आसपास डिमांड है कस्टमर की, और न्यूली जो गाड़ी अभी आ रही है BS6 उसकी कॉस्ट 85,000 के करीब आती है, और गाड़ी वेल अप टू डेट है कलर वाइज, इंजन वाइज, बैटरी वाइज, टायर वाइज, सारे फंक्शंस एक्टिव है गाड़ी के। सर्विस का पूरा काम कंप्लीट है, आप जो भी कस्टमर इसको परचेज करेगा उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका एवरेज 40+ आएगा मैम, 40+। ये गाड़ी बाजार में कितने में मिलती होगी? फर्स्ट टाइम जो है न्यूली शोरूम से उस टाइम तो इसकी कॉस्टिंग नियर अबाउट 70 के आसपास थी। 8% जो अभी एक्टिवा आ रही है उसमें बस वो अपग्रेड कर दिया BS6, तो वो 85,000 की आ रही है। तो जैसा कि आपने सुना कि ये गाड़ी 30,000 में आपको मिल जाएगी, 30,000 में ये गाड़ी आपकी, तो एक्टिवा मॉडल भी एकदम सही है, कंडीशन एकदम गाड़ी की सही है, सीट्स की कंडीशन सही है, टायर की कंडीशन सही है, लाइट्स डॉक्यूमेंट्स आपको विद ट्रांसफर करवा के देंगे हम गाड़ी, आप जो भी ऑनर परचेज करेगा उसको सीधा हम ट्रांसफर करवा के देंगे गाड़ी, RC टैक्स वगैरह सारा फुलफिल भरा हुआ है, कोई डॉक्यूमेंट्स वाइज भी कोई शिकायत नहीं है। तो चलते हैं अब हम दूसरी गाड़ी की तरफ। तो अब हम आए हैं दूसरी गाड़ी की तरफ, सर इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस बताइए। ये मैम हीरो की ड्यूट गाड़ी है, हीरो जिसकी स्प्लेंडर्स वगैरह आती है सिविलियर उसी कंपनी की है, तो ये ड्यूट है 2018 का मॉडल है, और इसकी जो अभी 8% वैल्यू कॉस्ट रखी है वो 45,000 डिमांड है पार्टी की, और गाड़ी फोर स्ट्रोक है, BS4 है और गाड़ी भी कोई प्रॉब्लम नहीं, गाड़ी वेल अपग्रेडेड है, कोई शिकायत नहीं है जी। इंजन वाइज बढ़िया है गाड़ी, इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑनली 15,000 किलोमीटर चली हुई है और फर्स्ट ओनर है गाड़ी। एवरेज ये आपको 50+ देगी, जो हीरो की गाड़ियाँ हैं उनमें थोड़ा एवरेज होंडा के कंपेरिजन थोड़ा सा ज़्यादा आता है। तो 45,000 में ये गाड़ी है, ब्लैक कलर की है, ब्लैक कलर की होंडा डुएट है, तो बहुत अच्छी गाड़ी है, और इसके स्पेसिफिकेशंस भी अभी हमें सर ने बताए, एवरेज भी इसका बहुत अच्छा है, तो आप ले सकते हैं ये गाड़ी। तो अब हम चलते हैं तीसरी गाड़ी की तरफ। तो अब हम आए हैं तीसरी गाड़ी की तरफ, सर इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस बताइए। ये हीरो की स्प्लेंडर बाइक है, ये 2014 का मॉडल है मैम, एलॉय व्हील है, सेल्फ स्टार्ट है, गाड़ी वेल अप टू डेट है, कंप्लीट सर्विस वगैरह हो रखी है गाड़ी की, और ये 8% इस गाड़ी की कॉस्टिंग हमने रखी है 40,000 नियर अबाउट। इसका इंजन वेल अप टू डेट है, सर्विसिंग कंप्लीट हो रखी है, ऑयल चेंज वगैरह सारा, कोई किसी प्रकार का कोई खर्चा नहीं है गाड़ी के अंदर। देन टायर्स दोनों न्यू ब्रांड लगे हुए हैं गाड़ी के अंदर, फर्स्ट ओनर है, कैश की गाड़ी है, एवरेज आपको ये नियर अबाउट 55-60 के नियर अबाउट आपको हाईवे पे निकालेगी एवरेज। लाइट्स, बैटरी, सेल्फ स्टार्ट है, बैटरी ओके है, दोनों चाबी है गाड़ी की, और 8% कोई खर्चा नहीं है, गाड़ी वेल अप टू डेट है, डॉक्यूमेंट वाइज भी गाड़ी वाइज।
तो सर ने बताया इसकी कॉस्ट ऐसी कितनी होगी? 40,000 एट प्रेजेंट कॉस्ट रखी है, और न्यू जो गाड़ी आ रही है अभी स्प्लेंडर वो 85,000 ऑन रोड आ रही है। 85,000 के बजाय 40,000 सेकेंड हैंड में, और जैसे कि आप गाड़ी की कंडीशन भी देख सकते हैं बिल्कुल नई जैसी है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। और सर ने बोला कि इसमें कोई अभी एट प्रेजेंट खर्चा नहीं है, कोई एक्स्ट्रा आपको खर्चा नहीं है, सारी फैसिलिटी आपको एकदम नई गाड़ी की जैसी मिल रही है। बैटरी की कंडीशन, टायर कंडीशन, लाइट्स की कंडीशन सब एकदम प्रॉपर है, सीट की कंडीशन भी यहाँ तक की प्रॉपर है। तो 40,000 में ये गाड़ी बहुत सही है। तो अब हम चलते हैं चौथी गाड़ी के ऊपर। अब हम आए हैं चौथी गाड़ी की तरफ। सर इसकी स्पेसिफिकेशंस बताइए। ये बजाज का प्रोडक्ट है मैम, बजाज सिटी 100 है, 100 सीसी का इंजन लगा हुआ है इसके अंदर। माइलेज वाइज बजाज की गाड़ियाँ बहुत ही किफ़ायती और सस्ती पड़ती है आज के हालात, पेट्रोल के हालात देखते हुए। ये नियर अबाउट 70+ का एवरेज गेन करती है, और इसमें न्यू मॉडल है जिसके अंदर सेल्फ स्टार्ट है, एलो व्हील है, और बहुत बढ़िया गाड़ी है, और 2019 का मॉडल है। नई गाड़ी EVS 6 है, और उसके अंदर नई गाड़ी जो आ रही है वो आ रही है करीबन 63,000-64,000 ऑन रोड, और ये आपको 40,000 के अंदर ऑन रोड आपको मतलब मिल जाएगी हमारे शॉप पे। तो 2019 का ये मॉडल और 40,000 में ये सेकंड हैंड बाइक जो कि बिल्कुल एकदम नई जैसी है, पूरी नहीं है एक तरह से, और इसमें सेल्फ स्टार्ट है, और इंजन भी इसका बहुत अच्छा है, और एवरेज भी अच्छा देती है, और बाइक की कंडीशन एकदम नई जैसी है। तो अब हम चलते हैं पांचवी गाड़ी की तरफ। तो अब आए हैं हम पांचवी गाड़ी की तरफ, इसकी स्पेसिफिकेशन। ये मैम हीरो होंडा कंपनी की गाड़ी है, सीडी डिलेक्स, ये 2012 का मॉडल है। देन गाड़ी वेल है, अकॉर्डिंग टू मॉडल के हिसाब से रेट भी इसकी नियर अबाउट 28,000 में आपको मिल जाएगी। इंजन वाइज जैसी मेरी दूसरी गाड़ी है उसी तरह से इंजन वाइज ओके, इंजन में भी हमारी गारंटी रहती है 15-20 दिन का, आपको प्रॉब्लम होता है हम आपको सही करके देते हैं, वो हमारी इंजन वाइज डॉक्यूमेंट्स वाइज आपको कंप्लीट मिलेगी, और फर्स्ट ऑनर है गाड़ी, कैश में परचेज की भी अगले हाथों हाथ आपको एकदम ट्रांसफर हो जाएगी। माइलेज इसका नियर अबाउट आपको 60+ गेन कर पाएंगे आप इस गाड़ी का, बाकी गाड़ी टायर वाइज वगैरह सब ठीक है, और 28,000 में आपको एट प्रेजेंट इस नई गाड़ी की जो कॉस्टिंग है वो नियर अबाउट 72,000 पे। 72,000 के बजाय 28,000 में अगर आपको ये गाड़ी मिल रही है एकदम नई जैसी, जिसका एकदम सब कुछ टिप टॉप है, पूरी परफेक्ट है, इसका माइलेज वगैरह और इंजन वगैरह सब सही है, एवरेज बहुत अच्छा दे रही है, और 2000 का मॉडल है पर फिर भी बहुत अच्छी कंडीशन में ये गाड़ी मेरे को यहाँ पे दिख रही है, तो कौन इसको नहीं लेना चाहेगा। तो ज़रूर आइए और ये गाड़ी तो बिल्कुल लेके ही जाइए। तब तक के लिए पहनिए हेलमेट और करिए सेफ ड्राइव। सर आपके यहाँ से जो बाइक्स पर पेपर वर्क होता है बाइक्स का, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं, उस सब के बारे में हमारे कस्टमर्स को कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए। इस पर दो चीज़ होती है मैम, एक तो सेलर होता है, एक परचेजर होता है। जो गाड़ी सेल करने आता है उसके गाड़ी के साथ में हमको उसके RC चाहिए होती है ओरिजिनल, और जिस जो RC होल्डर है उसका एक फॉर्म 29 और 30 का सेल लेटर होता है, वो सिग्नेचर किया हुआ साथ में चाहिए होता है। देन जो परचेजर होता है गाड़ी का, उसको जो नाम ट्रांसफर करानी है गाड़ी, तो उसके अंदर उसको दो ID प्रूफ चाहिए, जस्ट लाइक आधार कार्ड, परिचय पत्र और दो फोटोग्राफ्स नेसेसरीज है, और उसके अलावा गाड़ी का अगर इंश्योरेंस खत्म है तो आपको इंश्योरेंस भी करवाना पड़ेगा, उसको वो परचेजर को करवाना पड़ेगा जिसके नाम गाड़ी ट्रांसफर हो रही है, वैसा उसका लगेगा हम करवा के देते हैं। कोई कस्टमर्स कहते हैं कि हम खुद करवा लेंगे, तो उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उनको टाइम पीरियड देते हैं 15 डेज 15-20 दिन का, जिसके अंदर उनको गाड़ी ट्रांसफर करवानी अनिवार्य होती है। 99% हम करवा के देते हैं, इन केस कोई कस्टमर्स आउटसाइड का है तो कहते हैं मैं अपने आप करवा लूँगा, तो हम उस पर ट्रस्ट करके उनको डॉक्यूमेंट हैंडल कर देते हैं। तो सर आप जैसे कि हमारे ट्रस्टेड डीलर हैं, सेक्टर हैंड के ट्रस्टेड डीलर हैं, आप अगर सेक्टर हैंड की तरफ से जो कस्टमर्स आते हैं उनको क्या ऑफर्स या फिर कुछ पर्क्स देना चाहेंगे? अगर आपके वहाँ से ऑफर आएंगे तो हमारी सर्विसेज तो बेस्ट है ही है, अच्छी से अच्छी देने की चाहेंगे, उसके अलावा भी जो भी कुछ भी डिस्काउंट होगा हमारे कमीशन के अंदर, तो उसमें उनसे बिल्कुल रिलैक्सेशन देंगे, उनको उनसे कम चार्ज करेंगे। नॉर्मली जो कमीशन मार्केट चला टू व्हीलर पे
1000 रुपीज़ चला था, हम 500 रुपीज़ चार्ज करेंगे उससे। तो जैसा कि आपने देखा अभी सर ने बताया कि जो कस्टमर्स अभी आएंगे उनके लिए भी बेनिफिट्स हैं, उनको ये लोग ऑफर देंगे, कंसेशन देंगे, तो ज़रूर आइए। और जितनी भी बाइक्स आपने यहाँ पे और स्कूटीज यहाँ पे आपने विजिट करी है वो आप हमारे एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं सेक्टर हैंड एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से, और आप हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं www.sectorhand.com, और ज़रूर आइए और यहाँ से बाइक्स और स्कूटीज लेकर जाइए।